नमस्कार, राम राम सा खमा गणे। मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हो पृथ्वीराज ब्लॉग्स। आज हम हैं जोधपुर में और जोधपुर में आज संत श्री खेतेश्वर महाराज की 111वीं जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में यहां पर राजपुरोहित समाज जोधपुर और तमाम राजस्थान भर के राजपुरोहित समाज के लोग आज यहां पर जयंती की रैली में आए हुए हैं और यहां विशाल भव्य शोभा यात्रा जिसके अंदर काफ़ी झांकियां भी शामिल की हुई है। आप हमारे साथ में यहां पर देख सकते हैं राजपुरोहित समाज के बंधु हैं और ब्रह्मधाम आसोत्रा से तुलसाराम जी महाराज भी पधारे हुए हैं और भी हमारे साथ राजपुरोहित समाज के लोग जुड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि रैली को लेकर कितने उत्सुकता है और रैली का क्या आज का प्लान रहने वाला है। राम राम सर। राम राम सर। जय रघुनाथ जी रिसा। जैसा कि आपने पूछा कि आज का प्लान क्या रहने वाला है, हर्ष व्रत की बात है। इसी वर्ष भी भव्य रैलियाँ निकलने वाली है और आज गुरु महाराज श्री तुलसीराम जी महाराज, ध्यानाराम जी महाराज एवं समाज के विप्र समाज के अन्य संतों का भी सानिध्य रहेगा एवं साथ ही आज का प्रोग्राम ये रहेगा कि जालोरी गेट तक और जालोरी गेट से वापस ओलंपिक टावर होते हुए वापस बारवी रोड तक विशाल शोभा यात्रा का प्रोग्राम है जिसमें अनेक मनोरंजक एवं मनमोहक झांकियां जो 71 के 71 के आसपास बताई जा रही है वो रहेगी एवं साथ ही उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन रहेगा। खास तौर पे देखा जाए तो इस रैली में युवाओं का क्या योगदान रह रहा है? अक्सर आम तौर पर यह देखा जाता है कि किसी भी चीज़ में युवाओं का योगदान सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर वातावरण को इस अप्रैल के महीने में तपती धूप में गर्मी के महीने में युवाओं के माध्यम से समाज एवं पूरे जोधपुर की सड़कों पर जोश एवं उमंग का संचार हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें और भी काफ़ी सारी झांकियां शामिल है। हम आपको एक एक करके सारी झांकियां भी दिखाते हैं और पूरी रैली का स्पेशल कवरेज आपको हमारे चैनल पर दिखाएंगे। और ये रैली का अग्रिम सिरा है, सबसे आगे वाला भाग हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से सबसे आगे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं और उसके बाद में हाथी है और पीछे अन्य झांकियाँ हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियों को रैली में शामिल किया हुआ है। हम आपको सभी झांकियाँ और सभी जो नज़ारे हैं रैली के वो हम आपको अच्छे दिखाने वाले हैं। अभी रैली में आए हुए कुछ समाज बंधुओं से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, रैली में कितने उत्साहित हैं, कितने आनंद के साथ में वो लोग भाग ले रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम खमागणी। जय रघुनाथ जी। जय रघुनाथ जी। सब आज अपने जोधपुर में 111वीं खेतेश्वर जयंती महोत्सव संपूर्ण ब्राह्मण राजपुरोहित समाज द्वारा आयोजित की जा रही है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्ष उल्लास के साथ विशाल रैली का आयोजन किया गया है जिसमें हमें हमारे पूज्य गुरुदेव तुलसाराम जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है और बड़े भाई साहब श्याम सिंह जी साड़वास और महामंत्री और पूरी राजपुरोहित समाज का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही भव्य रैली का आयोजन किया गया है और इसमें समाज के प्रत्येक घर से बंदा उठ उठ के समाज में भाग लिया है। विशाल रैली का आयोजन किया गया है जोधपुर के अंदर। अभी रैली का क्या प्लान रहने वाला है, रैली कहाँ से निकलेगी और कहाँ पे जो रैली का समापन होने वाला है? रैली का समापन खेतेश्वर भगवान के दीप प्रज्वलित करके बारवीं रोड से दाता तुलसाराम जी महाराज के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई जिसका रूट अपने पांचवी रोड कांकरिया बिल्डिंग होते हुए जालोर गेट सर्कल रेलवे स्टेशन होते हुए वापस जलजोग चौराहे होते हुए अपने रावण चबूतरा मैदान के अंदर महाप्रसादी का आयोजन किया गया और जितने भी भामाशाह और कार्यकर्ता जितने भी समिति के अंदर जितने भी लोगों ने भाग लिया है उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और रैली के अंदर किस प्रकार की झांकियां शामिल की गई हैं और समाज के अंदर क्या मैसेज इस रैली के माध्यम से दिया जाएगा? रैली के अंदर संपूर्ण देवी देवताओं की जहां तक परशुराम भगवान से लेकर खेतेश्वर भगवान की बाल लीलाओं से लेकर डाड़ीबाई और खेतेश्वर भगवान के द्वारा चुंदरी ओडा के बैंड बनाना और परशुराम भगवान की शिवाजी महाराज की महाराणा प्रताप की अनेक प्रकार की झांकियों के साथ खेतेश्वर रैली भव्य निकाली जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चालू गेम।
अरे तो कौन लेवन दो गेटअप में बाहर जय श्री राम रैली में विशेष आकर्षण है हनुमान जी। हनुमान जी का स्वरूप और हनुमान जी का एकदम हूबहू देखिए आप। और भाई साहब पूरी रैली में पैदल ही चलने वाले हैं। इनकी हाइट और इनका कद काठी देखिए, एकदम हनुमान जी का स्वरूप इनमें साक्षात दिख रहा है। आप लोग कहाँ से हो? बिट्टूजा से। बिट्टूजा बिट्टूजा फेमस गेयर है जाजी। हाँ तो आप यहाँ पे सिर्फ गेयर नृत्य करने के लिए? गेयर नृत्य करने के लिए आए। धीरे धीरे ले लो। आशीर्वाद है तो भूल के वन गाँव सर भगवान की। भाई साहब आप गुटका थूक के बोलो। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। हमारे आयोजन होता है, आयोजन होता है राजपुर समाज की ओर से। संभाग स्तर के सारे राजपुर बंधु है वो यहाँ पहुँचते हैं। बहुत बढ़िया आयोजन होता है, हर साल होता है। और विशेष तौर पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। पीछे हमारे जो समाज बंधु है वो भी पूरा ध्यान रखते हैं। और ट्रॉली चलती है, निगम के सफाई कर्मी भी साथ में चलते हैं। योगी ये भूमिका रहती है कि एक तो ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं, जो पुलिस प्रशासन है उनका पूरा ध्यान रखते हैं, शांति व्यवस्था में पूरा सहयोग करते हैं युवा। रैली में हमेशा की बात है राजपुर भजन मंडली, जहाँ पर राजपुर समाज के जो भजन कलाकार है वो
नमस्कार, बोल नमस्कार। रैली में तुलसीराम जी महाराज रथ पर सवार होकर शामिल हुए हैं। ब्रह्मधाम आसोत्रा से महाराज जी पधारे हैं जोधपुर स्पेशली रैली के लिए। और ये सन सिटी और राजपुरोहित कम्युनिटी की यूनिटी मिंट फॉर नेशनलिटी सिंप्लिसिटी ऑनेस्टी विद एबिलिटी एंड क्वालिटी विद रॉयल्टी एंड प्योरिटी। और ईस्ट में थे गुवाहाटी और वेस्ट में हल्दी घाटी और मुंबई में थे चौपाटी और नासिक में पंचवटी। और धन्य हो गई है सन सिटी जहाँ पर खेतेश्वर दाता की पड़ रही है दिव्य दृष्टि और भरी रहती है नोटों की पेटी और कप ऑफ टी होता है 50-50 और टेस्टी बनती है सब्जी रोटी और साथ में होती है दाल बाटी और मिठाई बनती है बहुत ही मीठी। और राजपुरोहित समाज की यूथ एंट्री टॉप करती है यूनिवर्सिटी और बनकर गरीब की लाठी पार करवाते हैं बड़ी बड़ी घाटी और बदमाशों को पिलाते हैं दाटी उसको कहते हैं राजपुरोहित कम्युनिटी। भाग लोग भाग्यवास देरिया मरली तसिंगड़ी पटऊ आस पास के जितने भी गांव हैं शाम को 5 बजे गुरु महाराज जी अमृत पेय पधार रहे हैं और राजपुरोहित समाज सौदी समाज सबके द्वारा गुरु महाराज जी का स्वागत रखा गया है। जो भी यहाँ बंधु वहाँ के पधारे हुए हैं और यहाँ से भी जो गुरु महाराज जी के साथ चलेंगे हमें 5 बजे कल्याणपुर अमृत पेय पहुँचना है जैसा गुरु महाराज जी का आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि में गुरुमान समाज जय हो।
दोस्तों, आपने हमारे चैनल के माध्यम से संत श्री खेतेश्वर जयंती रैली लाइव देखी और हमने अच्छे से आपको दिखाया। हमारा काम था दिखाना, अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो प्लीज़ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।